ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के नक्शे को सामने रखें। तो ये चिकन नेक को भी खतरा है आने वाले दिनों में, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बात करते हैं कि भी चिकन नेक को बंद कर देंगे। नेक चिकन नेक कहते हैं, जमाते इस्लामी वाले ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा सेवन सिस्टर्स हमारे होंगे और साहब उनको मिजोरम नागालैंड पे उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है, शायद कभी हो जाएगा तो पता चलेगा। नो डाउट बांग्लादेश की जूत जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई, शेख हसीना वाजिद का उन्हें तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया। खारजा तो पॉलिसी को लेकर ये इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जनरल साहब? इनफैक्ट ये टाइम एक बहुत अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी इन मेनी वेज के हिंदुओं को जीने दे, और अगर नहीं जीने देना चाहते हैं तो ठीक है, एक पार्ट हम ले लेते हैं बांग्लादेश से और उसमें हम हिंदुओं को बसा देंगे। लेट देयर बी हिंदू कंट्री, लेट बांग्लादेश बी डिवाइडेड, एब्सोल्युटली वी विल हैव टू मेक अ बफर जोन। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है, एंड देन देयर विल बी केओस एंड एनार्की, और दुनिया कह रही है फेलिंग स्टेट विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज जो है इट केम डाउन क्रैशिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि अभी बांग्लादेश से खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर, खासतौर से हिंदू के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं, और उसका सिंपल सा कारण सिर्फ एक ही है कि बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी सोच है, दूसरे शब्दों में कहें जो इस्लामिक कट्टरपंथा है, वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ती जा रही है, खासतौर से हसीना सरकार के जाने के बाद। और यह अब सब कुछ सामने साफ साफ दिखने लगा है, जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार ने पिछले कुछ दिनों से जो एक्शन या डिसीजन लिए, चाहे वो इंडिया को धमकाने का हो या फिर पाकिस्तान से गोला बारूद बांग्लादेश के अंदर इम्पोर्ट करवाने का हो, या फिर बांग्लादेश के अंदर जो जमाती इस्लामी के लोग, जो कट्टर लोग थे जेलों में बंद, उनको छोड़ा गया है, जो साफ इशारा करता है कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी सोच का बुखार तेजी से चढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत से कई लोग यह भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी और हिंदू की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश को डिवाइड करके एक अलग से हिंदू बांग्लादेश बनाया जाए, या फिर उसे सेकुलर बांग्लादेश बनाया जाए। हालांकि यह काम कोई असंभव वाला काम नहीं है, लेकिन हम अभी 2024 के अंदर जी रहे हैं, जहाँ पे पल पल की खबरें दुनिया तक पहुँच रही है। तो क्या ये फिजिबल हो सकता है या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। संजय जी, हमें जमात इस्लामी बांग्लादेश में एकदम फोरफ्रंट पे नजर आ रही है, एंटी हिंदू जो भी जेनोसाइड सारे मूवमेंट चल रहे हैं, और इस सब को देखते हुए एक सिचुएशन सामने नजर आती है, वो प्रतीत होती है फ्यूचर में कि भारत के लिए क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, और इसमें ISI की भूमिका को लेकर भी सवाल उठता है। देखिए, ISI और जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है वो छुपा हुआ तो है नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अल्टीमेटली तो इरादा वही है ना कि पूरे खत्ते में या पूरे वेस्ट में या इंडिया में जहां भी है वहां पे उनको इस्लाम नाफिज करना, उनको तो जब तक पूरी दुनिया इस्लामी नहीं हो जाए ना, तब तक उनको बेचारों को आखिरत का पैगाम नहीं मिलेगा, ये दिक्कत है। तो पता नहीं कौन सी आखिरत ढूंढते हैं, वो सारी आखिरत जहन्नुम तो यही बना लेते हैं, आगे जन्नत में क्या जाके करेंगे पता नहीं। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई रिसेंट फिनोमेनन है, हसीना के जाने के बाद से हो गया है, ये तो लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इनका चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। और आप ये देखें कि हसीना ने इनके खिलाफ खूब कार्रवाई की, जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडर्स को सबको फांसी पे लटकवाया, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल में वो भी इनको यील्ड करने लगी थी। ये जो ऑर्डर आया है पूजा वाला, ये पिछले साल हसीना ने भी जारी किया, तो शी वॉज ऑल्सो पैंडरिंग टू दीज फोर्सेस। ये जो है गलत फहमी है लोगों की कि यू कैन आप जिहाद के साथ समझौता कर सकते हैं या आप जिहादियों का दिल और दिमाग जीत सकते हैं उनको कुछ कंसेशन देके, तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव, नॉट ओनली इन दिस कि वो इसको रोके। इनफैक्ट ये टाइम एक बहुत अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी इन मेनी वेज।
एक अपॉर्चुनिटी तो यह है कि चूंकि वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद हसीना, तो इंडिया जो है वो एग्रेसिवली पुशबैक नहीं करता था इन्फिल्ट्रेटर्स को. दैट इज समथिंग वी कैन डू नाउ. और असम में तो हो भी रहा है, रिकॉर्ड पे वो कहते हैं कि हमें सवेरे पता चलता है, शाम तक तो हम निकाल देते हैं उसको. और अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है देन वी विल हैव टू मेक अ बफर जोन. और वो बफर जोन के ऊपर डिस्कशन कई स्थानों पर जारी है कि भाई व्हाट पुट दैट बफर जोन भी, क्योंकि ये चिकन नेक कहते हैं जमात इस्लामी वाले ओपन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा सेवन सिस्टर्स हमारे होंगे और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए. नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है शायद कभी हो जाएगा तो बचेगा. इनको भेज दिया जाए थोड़े दिन पता चलेगा जब पाला पड़ेगा दिनों के लिए, नहीं तो वो जो आपके जो नागा रेजिमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा दी जाए तो फिर उनको पता चल जाएगा अच्छी तरह से. अब इनके दो चिकन नेक है, हमारी चिकन नेक करते रहते हैं ना, इनके खुद की दो चिकन नेक है. तो उसको अगर आप टेक आउट कर ले, वी शुड नॉट टेक मोर देन हाफ अ डे, तो आपका चिकन नेक वाला जो एरिया है वो 21 किलोमीटर से बढ़ते हैं और 51 किलोमीटर हो जाता है. तो इसलिए फिर ये देखना पड़ेगा और दैट शुड बी डन अल्टीमेटली, क्योंकि ये हिंदुओं को रहने तो देंगे नहीं. एब्सोल्युटली देखते हैं तो हिंदुओं को रहने नहीं देंगे तो फिर तो हिंदू एरियाज नीड टू बी कार्व्ड आउट. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सर नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई, शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे. उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को. पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई, और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया. लेकिन अब इंडिया ने 16 इम्पोर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निजाम आगे पीछे हो गया है. इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे. अगर इनको गवर्नमेंट ने इनसे इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा होकर ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादा हुई है. अब कौमें जो है वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं कितने पेनफुल हो सकते हैं, वो इस चीज से जो है वो लापरवाह है. इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है. वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला हमारा.